सो सैल्यूटेशन बड़ी, इस प्रकार जो है हेयर विद अ ब्रांड न्यू क्राफ्ट्समैन हैक वीडियो। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना टू टेल यू हाउ टू मेक अ शील्ड इन क्राफ्ट्समैन। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो, बिकॉज अवर नेक्स्ट गोल इज 3K सब्सक्राइबर्स। तो गाइस चलो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। तो पहले आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐसे हेवेल रखना है एंड देन नीचे का एक ब्लॉक तोड़ना है। मतलब पहले यहाँ पे एक आप ये डोर लगाइए गाइस, आपको यही डोर लगाना है। आप कोई और सा डोर लगाओगे तो मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। तो गाइस इसके बाद आप यहाँ पे फेंस लगा सकते हो, यहाँ पर ये लगा दो गाइस। ये मैं अभी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो हाथ में शील्ड पकड़ा होगा, लेकिन ये आपके किस टाइप से यूजफुल आ सकता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो में तो बने ही रहना आप लोग। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं इस टाइप से पहले एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना दूँ, और इसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में जो डोर है ना वो बिल्कुल शील्ड का काम कर रहा है, बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन के लिए है। तो गाइस मैं आपको बताऊँगा ये डेकोरेशन आपके हेल्पफुल कैसे बन सकता है। तो ओके, ये वीडियो में आपको पता चलेगा, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाने दो। सॉरी गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ये लग चुका है और बिल्कुल ही भाई अब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये हाथ में शील्ड ही पकड़ रखा है, कोई डोर वोर नहीं है। गाइस अगर आप लोग क्राफ्ट्समैन प्लेयर मतलब ओल्ड माइनक्राफ्ट के क्राफ्ट्समैन प्लेयर हो तो आप लोग समझ सकते हो कि क्राफ्ट्समैन का जो शील्ड है वो भी कुछ कुछ इसी टेक्स्चर का है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूजफुल हो सकता है हमारे सर्वाइवल में। गाइस मैं अपना गेम मोड सर्वाइवल में अभी यहाँ से चेंज करता हूँ। गाइस मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ एंड वेट अ मिनट, शायद मैंने अपना डिफिकल्टी कम कर रखा है। यस मैं अपनी डिफिकल्टी बढ़ाता हूँ एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्केलेटन स्पॉन कर दिया। गाइस फिलहाल तो मेरी स्किल उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपने चारों ओर डोर लगा के आप एक डेढ़ हार्ट पे अगर हो तो बच सकते हो। अगर आप ब्लॉक में चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ब्लॉक को बहुत जल्दी फास्ट प्लेस करना पड़ेगा। बट स्केलेटन को भी नल्ला समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि ये इसका निशाना भी बड़ा तेज़ होता है। तो ये आपको बड़े ही मज़े में ख़त्म कर सकता है, इसलिए डोर आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा एट दिस मोमेंट। गाइस आप लोग देख सकते हो इसको आप किसी इसको आप ट्रैप में भी बंद कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन फिलहाल तो ये ऐसे शील्ड यूज़ करने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ एंड ग्लू वॉल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको भाई वैसे चकमा देने में तो मज़ा आ रहा है, और मज़े में इसने मेरे 3 हार्ट ले गया, कि बिकॉज मेरे क्राफ्ट्समैन अभी स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। वो अलग बात है कि मैं क्लच फ्लच करता रहता हूँ तो लेकिन ये पीवीपी में मेरी स्किल जो है ना थोड़ी सी कमज़ोर है एंड ये स्केलेटन की आई होप मेरे से ज़्यादा ही है भाई, और इतनी हेल्थ कैसे ले गया तेरी ऐसी की तैसी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कचरा कर दिया मैंने, लेकिन आपको अपने साथ ये एक ना एक डोर अपने साथ किसी भी मतलब जाने पे रखना जरूर है। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वे है, बट या यूज़फुल या बहुत ज़्यादा होने वाला है अगर आप एक डेढ़ हार्ट पे बचे हुए हो तो। तो गाइस आपको मैं आई होप आपके वाली वीडियो पसंद आई होगी मेरी, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो ना तो चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा जो कि लाल कलर का होगा, उसे ग्रे कर दो। जानते हो यह जादू होता है ये, जो कि आप अगर जैसे उसे दबाओगे ना ये ग्रे कलर का हो जाएगा एंड रियलिटी में ये जादू बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर देखना चाहते हो तो भी अभी सब्सक्राइब करके एक बार चेक कर लो भाई। एंड यहाँ पे मैं डेढ़ हार्ट पे बाकी हूँ, जो कि आप बाकी रहोगे तो आप अपने चारों कवर कर लेना, आप बच जाओगे। एंड या आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और आपको मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।